आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, द क्वेश्चन इज अ यूनिफॉर्म थिन रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल हैज लीनियर मास डेंसिटी न्यू एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अपॉन कैपिटल एल वेयर एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम ए इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड lies at a distance of 7L by 12 from A, then A and B are related as, और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, एक रॉड है, ठीक है, रॉड है जिसका लेंथ L है और A भी इसका मेजर है। यहाँ से हम लोग लेंथ शुरू कर रहे हैं, मतलब X इधर से मेजर किया जा रहा है, ओके, जीरो से लेके L तक जाएंगे हम लोग, ओके। लीनियर मास डेंसिटी हमें दे रखी है इसकी न्यू एक्स, और हमें सेंटर ऑफ मास दे रखा है 7L/12, ओके। देखिए सेंटर ऑफ मास का हम फार्मूला जानते हैं, किसी भी बॉडी के लिए निकालना है अगर उसकी मास अनडिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरह से न्यू एक्स के टर्म में, तो ऐसे डी एम इंटू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स इंटू डी एक्स, सॉरी यही होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, ओके, वो मास इनटू जितनी दूरी पे है वो एक्स, और इंटीग्रेशन उस छोटे वाले मास का, ए एक्स दूरी पे जाके डी एम मास लेने पे ये इंटीग्रेशन ऐसे करने पे सेंटर ऑफ मास आता है, ये तो हम फार्मूला जानते हैं। तो इस फॉर्मूले को आगे फर्दर देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, डी एम मास को लिखेंगे तो वो न्यू एक्स मतलब लीनियर मास डेंसिटी इंटू डी एक्स, ओके, लीनियर मास डेंसिटी इंटू डी एक्स हो जाएगा इंटू एक्स होगा, ओके। डी एम मास को यहाँ नीचे भी लिख लेते हैं न्यू एक्स इंटू डी एक्स, ओके। तो आप देखो कि इसे हम लोग यहाँ पर न्यू एक्स को पुट करें और एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर अपॉन एल, ओके, इसका इंटीग्रेशन करना है और पूरे पे डी एक्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर न्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा उतर जाएगा, ए प्लस बी एक्स अपॉन कैपिटल एल, और इसका डी एक्स के टर्म में हमारा केवल इंटीग्रेशन कर देना है, ओके। इंटीग्रेशन की लिमिट की बात करें तो क्या होगा, जीरो से एल तक होगा, क्यों, क्योंकि एक्स जीरो से शुरू हो रहा है और कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, एल तक, इसीलिए लिमिट जीरो से एल तक पुट कर देंगे। चलिए सॉल्व कर देते हैं, इसे क्या आएगा, इसका ऊपर का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 3L, नीचे का इंटीग्रेशन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2L, लिमिट 0 से L, 0 से L, वैल्यू कर देते हैं पुट। उसके बाद यहाँ से हमारे पास L पुट करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं L स्क्वायर होगा, यहाँ L क्यूब होगा, ये L क्यूब का L यहाँ से कट जाने के बाद क्या बचेगा, L स्क्वायर, और L स्क्वायर यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो L स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, ए बाई टू प्लस बी बाई थ्री, ओके। अब यहाँ पर भी एल पुट करें तो एल स्क्वायर होने के कारण नीचे एल से कट जाएगा तो एल बचेगा, यहाँ से एल कॉमन आ जाएगा, एल यहाँ से कॉमन लिया, बचेगा अंदर में क्या, ए प्लस बी बाई टू, ओके, और इसमें कुछ नहीं, इतना ही होगा, तो एल स्क्वायर से यहाँ एल कट जाएगा। और हमें यहाँ ध्यान देने की बात है कि सेंटर ऑफ मास 7L/12 दे रखा है, तो 7L/12 के बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं कि L कट जाएगा, और फर्दर इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो फर्दर इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं और इसका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3A+2B, ओके, और ये 7 से मल्टीप्लाई होगा और 2A+B/2 हो जाएगा, ओके। तो अब इसे फर्दर यहाँ पर देखते हैं क्या होगा इसका, तो ये 2 कट जाएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या इसको अंदर में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर से मल्टीप्लाई करके, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ए प्लस 4 2 जा 8, बी इक्वल्स टू 7 2 जा 14, ओके, ए प्लस 7B, ओके। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये 2A उधर चला जाएगा, ये माइनस होने के बाद 2A बचेगा केवल, और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, B, ओके,
तो 2a इज इक्वल टू बी का रिलेशन हमारे पास a और b के बीच का रिलेशन आ रहा है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए जो है इस रिलेशन को सही साबित करता है, तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो रिलेशन बिटवीन ए एंड बी इज 2a इज इक्वल टू बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।